हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो व्हाट इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप? सो ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to produce highly magnified image of any objects. तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वो हाईली मैग्निफाइड इमेज बनाता है टिनी ऑब्जेक्ट्स की। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। सो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे बनाया जाता है? तो इसके लिए देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप पहले एक ऑब्जेक्ट लेंस लेते हैं और एक यहां पे आई लेंस होता है। जो आई लेंस होता है उसका अपर्चर और फोकल लेंथ ज्यादा होती है, और जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है उसकी जो उसका अपर्चर स्मॉल होता है। तो ये कोएक्सली होते हैं, एक दूसरे के कोएक्सली प्लेस्ड होते हैं। इनका एक्सिस कॉमन होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है इनका। सो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर C2 है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाता है? ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है जो ऑब्जेक्ट लेंस है उसके फोकस के दूर प्लेस किया जाता है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, तो दिस इज AB, AB इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे इमेज बनाएगा? ये इमेज बनाएगा कि कोई रे ऑफ लाइट है, पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाकर इंसिडेंट करेगी, वो इसके यहाँ पे फोकस से पास करेगी और यहाँ पे आ जाएगी। जो नेक्स्ट है, जो दूसरी रे ऑफ लाइट होगी वो बिल्कुल ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, और वो जो पॉइंट होगा वो इसकी इमेज होगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी। इसको हम नाम देंगे A'B'। दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। नाउ दिस रे ऑफ लाइट जब ये आगे जाएंगी रे ऑफ लाइट, तो ये आके जो जो आपका आई आई लेंस है उस पे जाके इंसिडेंट होगी। जब ये आई लेंस पे जाके इंसिडेंट होंगी तो ये फर्दर क्या करेंगी? बैंड करेंगी, और बैंड करके ये डाइवर्ज होंगी यहां पे। तो दी डाइवर्जेंट रेज विल नॉट मीट, कहीं पे मिलेंगी नहीं। तो फिर क्या करेंगे हम? इनको बैक प्रोड्यूस करेंगे। जब इनको हम बैक प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहां पे मैग्निफाइड इमेज, हाईली मैग्निफाइड इमेज यहां पे प्रोड्यूस करेंगी। एंड दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। दिस इज A'' एंड B'', एंड दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस। इफ योर आई इज हेल्ड क्लोज टू दिस पॉइंट, जो आई लेंस है आपकी आई इसके क्लोज होती है। तो इफ योर आई इज क्लोज टू दिस, जैसे कि आपकी आई यहां पे है तो आप यहां से देख रहे हैं इसको, तो ये जो डिस्टेंस है इसका, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यू विल गेट दिस इमेज फ्रॉम द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसमें आपको लिखना क्या है कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो अभी हम आपको बताते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? इसकी कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस। टू कन्वेक्स लेंस होते हैं इसके अंदर। वन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड दिस ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड शॉर्ट अपर्चर। इसका अपर्चर शॉर्ट है, इसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होती है। नेक्स्ट इज आई पीस, दिस इज आई पीस, एंड दिस इज ऑफ मॉडरेट फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ इससे ज्यादा होती है।
और इसका अपर्चर जो होता है वो अपर्चर इससे लार्ज होता है, ठीक है, लार्ज अपर्चर होता है। तो इसका जो आईपीस जो है इसकी फोकल लेंथ इससे बड़ी है, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, इसकी फोकल लेंथ सपोज इतनी है। तो इसके अंदर होता क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाता है तो ये इसके फोकस से दूर रखा जाता है। तो इसके फोकस से जब इसको दूर रखते हैं तो ये क्या होती है, इसमें रे ऑफ लाइट जब पास करती है तो इसकी जो इमेज बनती है वो इससे बड़ी बनती है, बिकॉज ये एफ और 2F के बीच में है इसकी, तो इसकी इमेज इससे बड़ी बनेगी। लेकिन ये इमेज इमेज जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और ये जो बीच वाली जो इमेज है ये इसके लिए क्या काम करती है, ये जो आई लेंस है इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो जब यहां से रेडिएशन जो निकलती है और जब आई लेंस के ऊपर गिरती है तो ये रेज डाइवर्ज होती है एक्चुअल में, मतलब कि उतना कन्वर्ज नहीं कर पाता है इसको, तो डाइवर्जेंट रेज इससे बाहर निकलती है। और इसको जब हम बैक प्रोड्यूस करते हैं तो ये इसकी जो है वर्चुअल इमेज बनती है यहाँ पे, ए डबल डैश बी डबल डैश, और दिस इमेज इज हाईली मैग्निफाइड इमेज। तो इससे करके ये इसका क्या है, कोर्स ऑफ रे है। तो कोर्स ऑफ रे हम कैसे लिखेंगे वो अब हम आपको बताते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज कोर्स ऑफ रे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको ये लिखना है कि इमेज कैसे बनती है रेज के द्वारा। तो इसके अंदर कैसे होगा कि सबसे पहले देखो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ए बी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ए बी इज एन टिनी ऑब्जेक्ट, दिस इज स्मॉल ऑब्जेक्ट, इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू दिस कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, जो कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर इसको रखते हैं, और कहाँ रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड बियॉन्ड इट्स प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, यहाँ पे इसको रखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी एंड इट विल बी मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, इसके विद रिस्पेक्ट टू एक मैग्निफाइड इमेज बनेगी, और ये इमेज जो होगी ये रियल और इन्वर्टेड होगी, और ये जो इमेज है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। नाउ इसकी सिचुएशन इस तरह से हम सेट करते हैं क्योंकि इनके बीच की जो जो डिस्टेंस है उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, बिकॉज ये एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होती है, उसमें क्या होता है कि इस ट्यूब को इनके बीच की सेपरेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इससे जो इमेज बनी है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और इट लाइज बिटवीन इट्स प्रिंसिपल फोकस, इस आई लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच में इसकी सिचुएशन लाई करती है, विच लाइज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर सी टू एंड प्रिंसिपल फोकस एफ ई, इन दोनों के बीच में ये ऑब्जेक्ट लाई करता है। तो अब देखो जो कन्वेक्स लेंस होता है उसके लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके ऑप्टिकल सेंटर और उसके प्रिंसिपल फोकस के बीच में लाई करता है तो उससे क्या होता है, उससे एक वर्चुअल और मैग्निफाइड इमेज बनती है उस ऑब्जेक्ट की। और यहां पे इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे हम कि दिस इमेज फॉर्म दैट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो ये आपको कोर्स ऑफ रे में लिखना है और डायग्राम कंस्ट्रक्शन के साथ ऐसे का ऐसा बना देगा। इसको हम फर्दर क्या करेंगे, इसको जारी रखेंगे फर्दर। सो नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं, फर्स्ट आपने करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेकंड आपने उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, ऐसा डायग्राम बना देना है, साइड में उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। उसके बाद नीचे आप लिखोगे कोर्स ऑफ रे। तो कोर्स ऑफ रे आपको मैंने लिखवा दिया है कि रे जो है वो किस तरह ऑब्जेक्ट से पास करके ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से चल के ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करती है, उसके बाद आई लेंस से पास करती है, और ये फाइनल इमेज फॉर्म करती है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज आपकी बनती है। तो इसके बाद आपने लिखना मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। मैग्नीफाइंग पावर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई। यहाँ पे आपकी आई है तो आई के ऊपर जो एंगल सबटेंड करेगा कौन कौन, एक तो जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज आपका जो एंगल सबटेंड कर रही है वो कितना कर रही है वो आपको देखना है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको इससे मिला देना है, फाइनल इमेज को आपने ऑप्टिकल सेंटर से मिला देना है। हम ये मान लेंगे कि अपनी आई है वो यहाँ पे लाई करती है, तो लगभग ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होएगा वही आई लेंस पे एंगल सबटेंड होगा। तो ये जो फाइनल इमेज है ये कितना एंगल, सपोज ये बीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो हम क्या करते हैं, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड एट द आई बाय दी फाइनल इमेज, बाय दी फाइनल इमेज
टू किस किस का रेशियो, सेकंड थिंग क्या है, टू द ऑब्जेक्ट, टू द एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन। अब देखो यहां पे एक बात है, आप ये मत कर लेना कि ऑब्जेक्ट से सीधा एंगल आपने सबटेंड नहीं करना। क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को हम ये सपोज करेंगे कि दिस इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, कि इफ दिस ऑब्जेक्ट इज सपोज टू प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा है, इसको हम A1B" कह देंगे। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन फ्रॉम द आई। लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस वो कम से कम डिस्टेंस होता है जहां से हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, जैसे कि मुझे यहां पे क्लियर दिखाई दे रहा है अपनी आंख के सामने, इससे नजदीक मुझे धुंधला दिख रहा है लेकिन यहां पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो डिस्टेंस है मेरी आई का, ये लीस्ट डिस्टेंस है, और नॉर्मल ह्यूमन के लिए ये जो लीस्ट डिस्टेंस होता है ये होता है अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर सपोज टू बी प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, डिस्टिंक्ट विजन होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स जो नजदीक नजदीक हैं उनको आप अलग अलग देख पा रहे हैं और क्लियरली देख पा रहे हैं। तो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो इसके लिए हम करेंगे डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। सो हम करने वाले हैं डेरिवेशन फॉर मैग्निफिकेशन। अब देखो फाइनल इमेज है वो जो एंगल सबटेंड कर रही है आई के ऊपर, वो बीटा एंगल है। सपोज करो जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल सबटेंड कर रहा है, वो एंगल को हम अल्फा एंगल बोल देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम सपोज क्या कर रहे हैं, एंगल जो है कौन सा, A"C2B"। दिस एंगल इक्वल टू बीटा एंड एंगल दिस इज ए वन, सो ए वन एंड सी टू, ए वन सी टू एंड B"। ए वन सी टू एंड B"। दिस एंगल इक्वल टू अल्फा। तो हमने क्या है, इसका रेशियो जो है वो मैग्नीफाइंग पावर है। सो मैग्नीफाइंग पावर, उससे पहले मैग्नीफाइंग पावर को लिखने से पहले लिख देते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है। m equal to है बीटा बाय अल्फा, पर जस्ट बीटा बाय अल्फा से हमारा काम नहीं चलने वाला है, इसलिए हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सिंस एंगल्स आर स्मॉल, दिस बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैनिंग बीटा एंड अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैनिंग अल्फा। तो हम m को कैसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू हो जाएगा टैनिंग बीटा बाय टैनिंग अल्फा, और डायग्राम से हम टैनजेंट बीटा और टैनजेंट अल्फा की वैल्यू को इवेल्युएट करने वाले हैं। तो फ्रॉम डायग्राम आप देखेंगे टैनजेंट बीटा क्या है, इस डायग्राम के अंदर आपको टैनजेंट बीटा मिलेगा। टैनजेंट बीटा इक्वल टू है A"B" एंड डिवाइडेड बाय C2B"। ये टैंजेंट बीटा की वैल्यू। सिमिलरली आप डायग्राम में टैंजेंट अल्फा की वैल्यू भी इस इन राइट एंगल ट्रायंगल A1B" एंड C2 यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टैंजेंट अल्फा। टैंजेंट अल्फा इक्वल टू A1B" एंड डिवाइडेड बाय C2B"। बट दिस A1B" अगर इसकी हाइट देखे A1B" की, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू AB। So we can also replace this A1B" by AB. So this is called AB by C2B". तो ये tangent beta और tangent alpha की value आपके पास
आ गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई है, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो इसके अंदर आप इसको प्लेस करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो m इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट बीटा इक्वल टू क्या है a डबल डैश b डबल डैश बाय c2 b डबल डैश एंड व्हाट इज टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा को हम इन्वर्ट करके लिख देंगे, तो ये नीचे ए बी आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा सी टू बी डबल डैश। अब ये सी टू बी डबल डैश दोनों में एक बराबर है तो ये कट जाएगा और आपके पास बचेगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी। आप चाहो तो देखो इसके अंदर ये जो फाइनल आया है इसके अंदर जस्ट फाइनल इमेज का जिक्र है और जो स्टार्टिंग जो इमेज है उसका जिक्र है, उसकी हाइट का जिक्र है, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट इमेज भी बनती है तो आप उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको आप ए डैश बी डैश से तो डिवाइड कर सकते हैं और ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई किया जा सकता है इसको, तो इससे क्या फायदा होगा हमें, तो इसको ऐसा करने से हमें फायदा होगा कि अलग अलग जो लेंस है उसने जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करी है हम उसकी वैल्यू इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे जो अलग अलग मैग्निफिकेशन आ गई है, तो ये है हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर देखो क्या है, ये क्या है आई लेंस है, आई लेंस की हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो इसको आप क्या कह सकते हैं एम ई और एम ओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई है, मतलब जो आपको फाइनल मैग्निफिकेशन मिलती है तो जो दो लेंस है आपके वो जितनी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं आपको उसकी मल्टीप्लाई में मैग्निफिकेशन मिल जाती है। तो इसके अंदर आप सपोज कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस करता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, सपोज करो आपका 10 टाइम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, और आई लेंस सपोज करो कि 20 टाइम और वो भी 10 टाइम करता है, तो आपको 100 टाइम जो है वो मैग्निफिकेशन इसमें मिल जाती है, तो काफी हाईली मैग्निफाइड इमेज आपको इसमें जो है मिल सकती है। नाउ जब आपने पीछे सिंपल माइक्रोस्कोप किया था तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में आपने क्या किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप का केस अगर आपको याद हो तो उसके अंदर आपने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था बिटवीन इसका फोकस और इसका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में किया था, तो उसमें क्या था कि वो डाइवर्जेंट रे बन रही थी और उसको बैक प्रोड्यूस किया, तो जब वर्चुअल जो इमेज बन रही थी इस तरह से, इसकी मैग्निफिकेशन का हमने एक फार्मूला निकाला था, और इसकी मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला था वो क्या था, 1 प्लस डी बाय एफ, ये इसका मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला था वो आ गया था। तो इसी तरह ये इस तरह की सेम सिचुएशन यहां पे आई लेंस के लिए बन रही है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस मे बी रिप्लेस्ड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस मे बी रिप्लेस्ड एज, तो इसको जो आई लेंस की मैग्निफिकेशन है उसको 1 प्लस डी बाई एफ ही कह सकते हैं। तो इसको इससे रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस तो हमें पता ही है हमारा कितना है हमारी आई का, और ये जो एफ ई है इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी इजिली फाइंड आउट करी जा सकती है, तो इसको इससे रिप्लेस करने से वो कैलकुलेशन है या प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है वो इसकी आसान हो जाती है। सिमिलरली जो सेकेंड केस है इसका केस अगर आप देखें ऑब्जेक्ट लेंस का, फोर ऑब्जेक्ट लेंस, इसकी मैग्निफिकेशन को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो फोर ऑब्जेक्ट लेंस अगर आप इन दो डायग्राम्स को देखें, वन इज इन ट्रायंगल्स ए बी एंड सी वन, और ये सिमिलर टू है ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ए बी सी वन इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये है ए डैश बी डैश एंड सी वन, ए डैश बी डैश सी वन, और ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसके अंदर सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, रेशियो ऑफ द जो साइड्स होता है वो सेम होता है, तो दिस इज ए डैश बी डैश
बाय ए बी विल बी इक्वल टू क्या होगा, सी वन बी डैश बाय सी वन बी, सी वन बी डैश बाय सी वन सी बी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से रेशो, बेस का बेस से रेशो के बराबर हो जाएगा। अब देखो बेस का जो डिस्टेंस होता है किसी भी, किसी भी जो इमेज का जो डिस्टेंस होता है, वन सेकेंड, किसी भी इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ये क्या है यहां पे, इट इज इक्वल टू, इसको हम बी डैश कह सकते हैं, या आप इसको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कह सकते हैं। और सी वन बी क्या है, ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज का ऑब्जेक्टिव की इमेज का डिस्टेंस है, जिसको हम वी ओ कह रहे हैं, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम यू ओ कह रहे हैं, तो माइनस यू ओ करेंगे इसको, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में ना। तो इस तरह से हम एम ई की वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकते हैं और एम ओ की वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपकी जो फाइनल जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे फाइनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आएगी इसमें, एम विल बी इक्वल टू, तो एम ई को रिप्लेस कर दे और एम ओ को, तो पहले एम ओ वाला लिख देते हैं, वी ओ बाय माइनस यू ओ इंटू वन प्लस डी बाय एफ ई। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर मैग्निफिकेशन। हियर नेगेटिव साइन इज देयर, और नेगेटिव साइन इसके अंदर आप लास्ट में डिस्कशन जरूर लिखें। तो व्हाट इज डिस्कशन हियर, डिस्कशन में जो फर्स्ट पॉइंट जो आप लिखने वाले हैं कि सिंस फर्स्ट पॉइंट, सिंस एम इज नेगेटिव, तो एम नेगेटिव है, दिस इंप्लाइज जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज इज इनवर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू फाइनल इमेज जो है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फाइनल इमेज है, इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई आपके जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो कैसी आई है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आपकी आई है वो नेगेटिव आई है। सेकेंड जो है आपका पॉइंट है कि आपको लार्ज मैग्निफिकेशन, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप का यूज है, आप लार्ज मैग्निफिकेशन इसमें प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सो फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन आप क्या करेंगे, तो इसके लिए फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन आप ना इसके अंदर एक चीज और भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम को इरेज कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आप इसमें एक चीज और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनता है, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट को आपने कहा रखा था फोकस के बियॉन्ड रखा था, तो अगर आप इसको लगभग इसके फोकस के पास रख दे ऑब्जेक्ट को, इसके ये जो एफ ओ है इसके लगभग अगर ऑब्जेक्ट को पास रखेंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी ना वो दूर बनेगी थोड़ी सी, और कितनी दूर बनेगी, वो लगभग बिल्कुल इसके नजदीक बन जाएगी, आई लेंस के बिल्कुल नजदीक बनेगी इमेज, तो इससे आपकी लार्ज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होती है। तो आपने इसको जितना नजदीक रख रहा है इससे दूर बन रही है, तो अगर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर एफ ओ के बराबर या उसके लगभग बराबर, अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर रखते हैं, तो आपकी जो इमेज बनती है वो, ये देखो ये ट्यूब की लेंथ है कंप्लीट, आपने जो ट्यूब के दो एंड्स पे ये लेंस को लगाया है, तो ये जो इमेज बन रही है वो लगभग कहां पे बन रही है, ऑब्जेक्ट से एल डिस्टेंस पे, एल इज द लेंथ ऑफ ट्यूब। सो इफ आप यहां पर एड ऑन कर सकते हैं, इस चीज को आप छोड़ देंगे, तो इसके अंदर क्या करेंगे कि इफ यूओ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ओ, देन जो वीओ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाएगा। तो इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो वी बाय वीओ बाय यूओ इक्वल टू इक्वल क्या आ जाएगा, एल बाय एफ ओ, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं भाई एल बाय एफ ओ से।
एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है मैग्निफिकेशन की जो एक्सप्रेशन है वो एल बाय एफ ओ माइनस एफ ओ कर देंगे इंटू वन प्लस डी बाय एफ ई। तो आप चाहो तो ये स्टेप भी इसमें ऐड कर देना यहां पे, इसके बाद ये लिख देना और ये स्टेप ऐड कर देना, तो इससे अपना जो सेकंड पॉइंट है ना वो लिखने में और आसानी हो जाएगी कि फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन बोथ एफ ओ एंड एफ ई शुड बी स्मॉल। लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए एफ ओ और एफ ई दोनों स्मॉल होने चाहिए। और सेकंड थिंग इसमें जो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं वो थर्ड पॉइंट क्या है कि जो एफ ई है, एफ ई इज टेकन एज ग्रेटर देन एफ ओ, एफ ओ तो इसका जो मकसद होता है इससे ग्रेटर लेने का टू हैव लार्ज व्यू, अपने व्यू को लार्ज करने के लिए आप इसको करते हैं। तो ये जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट है, उसमें बस आपको इतना ही लिखना है यहां तक डिस्कशन का। ये फाइव मार्क्स का जो पैकेज है, फाइव मार्क्स का जो पैकेज है वो कंप्लीट है। इसके अंदर क्या करना है आपको, ये सब चीजें लिखनी है, पहले आपको व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर आपको उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, कंस्ट्रक्शन बनानी है, उसके बाद आपको क्या करना है उसका कोर्स ऑफ रे लिखना है, उसके बाद उसकी मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है और मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन आप इसको यहां तक कर दे और उसके बाद डिस्कशन के तीन पॉइंट यहां पे लिख दे, तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके बाद हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करेंगे और इस तरह से टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।